हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भूतपूर्व प्रकाश, और आज हम BSc सेकेंड ईयर में एंटीविनम पढ़ेंगे, यानी स्नेक्स का एंटीविनम, तो पॉइजन का एंटीविनम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विनम के बारे में पढ़ा था, यानी स्नेक्स का विनम एंड पॉइजन क्या होता है और उसके यूजेस किस तरीके से होते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ पर किस तरीके से इफेक्ट करता है, ये हमने कल पढ़ा था। और आज हम उसके एंटी विनम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं एंटी विनम ऑफ स्नेक्स। स्नेक बाइट का एकमात्र उपचार एंटी विनम का इंजेक्शन देना होता है। एंटीविनम तैयार करने के लिए हॉर्स को पूर्ण रूप से इम्यूनाइज्ड बनाया जाता है। इसमें विनम की मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए घोड़े के शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसमें लगातार एंटीबॉडीज बनती जाती हैं और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसमें हम विनम की कितनी भी मात्रा घोड़े के शरीर में इंजेक्ट कर दें परंतु वह मरता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि घोड़े के शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज का निर्माण हो चुका है। अब यदि ऐसे घोड़े के शरीर से ब्लड निकाला जाए जिसमें पर्याप्त एंटीबॉडी बनती हैं और अब उस ब्लड की क्लॉटिंग कराई जाए, तो क्लॉट के चारों तरफ जो सीरम इकट्ठा होगा वही एंटीविनम है। एंटीविनम को तैयार करने के लिए आजकल अन्य एनिमल्स को भी उपयोग में लाया जाता है। अलग अलग स्नेक्स के अलग अलग एंटीविनम्स तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल्स में प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट, यानी स्नेक बाइट के सिम्टम्स क्या हैं, आइए देखते हैं। अलग अलग स्नेक्स के काटने के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, जिसमें पहला सिम्टम्स है हमारा सिम्टम्स ऑफ कोबरा बाइट, यानी कोबरा स्नेक जो है उसके काटने के सिम्टम्स क्या होंगे, आइए देखते हैं। कोबरा का विनम न्यूरोटॉक्सिन होता है, अर्थात इसका प्रभाव शरीर के नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसके प्रभाव में रेस्पिरेशन, मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की ब्रीथिंग प्रॉब्लम प्रारंभ या स्टार्ट हो जाती है। इसी कारण से ब्रीथिंग बंद हो जाती है और एस्फिक्सिएशन के फलस्वरूप रोगी की डेथ हो जाती है। कोबरा के काटने पर मुख्य लक्षण जलन यानी बर्निंग,
सूजन, चुभने वाला दर्द, काटे गए स्थान पर सुन्न पड़ जाना तथा उस स्थान का काला या नीला पड़ जाना प्रमुख लक्षण हैं। रोगी गिडिनेस, जिसे हम गल्फर फील करने लगता है, वह अपनी टांगों पर खड़े होने में भी कठिनाई महसूस करता है या उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है तथा सैलाइवा भी गिरने लगता है। आईलिट्स यानी पलक झुकने लगती हैं, पल्स रेट हाई हो जाती हैं, उसकी प्यूपिल यानी पुतलियां झुकने लगती हैं, वोमिटिंग सेंसन हो जाती है, सांस मुश्किल से आती है और कुछ ही घंटों में रेस्पिरेशन ना कर पाने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ कैरेट वाइट की, यानी जो कैरेट स्नेक है उसके सिम्टम्स क्या हैं? आइए देखते हैं। कैरेट के काटने के सभी सिम्टम्स कोबरा जैसे होते हैं। इसमें पॉइजन की मात्रा कोबरा की तुलना में 3 times अधिक होती है। करैत के बाइट पर असहनीय पेट में दर्द या पेन होता है, जिसका कारण इंटरनल हीमोरफेज होता है। इसमें आरबीसी का डिस्क्रेशन हो जाता है और टंग तथा लिम्स में पैरालिसिस हो जाती है। 6 to 24 hours के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ वाइपर वाइट की, यानी वाइपर जो स्नेक्स है उसके काटने के सिम्टम्स क्या हैं? आइए देखते हैं। वाइपर का वीनम मुख्य रूप से एक हीमोटॉक्सिक है, जिसका प्रभाव सर्कुलेटरी व नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसके सिम्टम्स में स्वेलिंग तथा काटे गए स्थान का डिस्कलरेशन एवं बहुत तेज जलन के साथ दर्द होता है। जिस जगह घाव बनता है वहां से नेकोसिस टिश्यूज का डिस्कलरेशन के कारण एक लाल रंग का फ्लूइड निकलने लगता है। प्यूपिल डायलेट्स हो जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है और पेशेंट को उल्टी होने लगती है तथा रोगी अपनी चेतना खोने लगता है और
लगातार ब्लीडिंग के बाद रोगी की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की। इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है साइकोलॉजिकल। सांप के काटने का भय हृदय की गति को बंद कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। यह स्थिति उस समय भी देखी जाती है जब काटने वाला सांप नॉन पॉइजनस हो। इसलिए सबसे पहले विक्टिम को मनोवैज्ञानिक तरीके से संभालना चाहिए। इसके लिए उसे सांत्वना देनी चाहिए तथा ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे वह हताश ना हो। दूसरा टॉर्निकेट या एग्रीचर, काटे गए स्थान पर किसी भी प्रकार का एक लिगेचर कसकर बांध देना चाहिए। इसके लिए कोई भी उचित मटेरियल जैसे कपड़े का टुकड़ा, रुमाल, रबर की कोई ट्यूब आदि ली जा सकती है। बांधते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इतनी टाइट ना हो जाए जिससे ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो। ऐसा करने से पॉइजन आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अगली प्रोसेस जो है फर्स्ट एड की, वो है केयर ऑफ बाउंड। काटे गए स्थान को साफ पानी से धोकर उस पर पहले लगभग 1 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगाना चाहिए, या यह चीरा लगाने के लिए एक स्टरलाइट चाकू या ब्लेड का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से ब्लड निकलने लगता है। जो भी पॉइजन उनके साथ निकलता है उसको सक करने के लिए एक सक्शन कप का उपयोग करना चाहिए। सक करने का काम माउथ से नहीं होना चाहिए क्योंकि यह घातक हो सकता है। कुछ लोग चीरा लगाने वाली बात से सहमत नहीं होते हैं। उनके अनुसार ऐसा होने पर अन्य कोई भी इन्फेक्शन होने लगता है। बाउंड को KMnO4 के वीक सॉल्यूशन से धोया भी जा सकता है। काटे गए पार्ट को बर्फ के द्वारा ठंडा करके ब्लड के सर्कुलेशन को कम किया जा सकता है। अगली प्रोसेस है केयर ऑफ पर्सन। रोगी को ऐसी कोई चीज नहीं देनी चाहिए जिससे उसमें उत्तेजना आए। रोगी को गर्म दूध, कॉफी या चाय दी जानी चाहिए जितनी जल्दी संभव हो सके। उसे हॉस्पिटल ले जाकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए जिससे उसे एंटीवीनम का इंजेक्शन लगाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।